एक्सेस द रिकॉर्ड्स। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है कि बहुत सारे मिथ हैं कि कोई ऐसा नहीं बैठ मतलब ऐसे नहीं कर सकता एक्सेस, कोई ऐसे बैठ के करना है आपको, तप करना है आपको, मेडिटेशन करना है आपको, इतने घंटे उसमें लगाने हैं, पता नहीं क्या 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 क्या, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस बना देते हैं हमारे ब्रेन में, इतना हेवी कर देते हैं हम लोगों को ये पूरे सब्जेक्ट को कि हमें लगता है हम क्या कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। इट्स वेरी वेरी इजी, एनीवन कैन एक्सेस इट, एग्जिस्ट अक्रॉस, कोई टाइम नहीं है। लाइक हम लोग हैं जो टाइम देख देख के काम करते हैं, क्योंकि अगेन आई एम टेलिंग यू हम भूलोक में हैं, तो हमारा जो सारा सिस्टम है टाइम के हिसाब से चलता है कि 9 बजे ब्रेकफास्ट है, 1 बजे लंच है, इतने बजे डिनर है, इतने बजे वो है। आकाशिक फील्ड में नो टाइम, नो वो, दे आर अवे फ्रॉम ऑल द टाइम एंड स्पेस, राइट, एंड इज अवेलेबल फॉर एवरी वन। हम अपने घर बंद कर देते हैं दूसरों के लिए, पर ऊपर वाले का घर कभी बंद नहीं होता, उसका दरबार हमेशा खुला होता है। However, it takes some practice, patience की जरूरत है। क्यों? क्योंकि for example, हम लोगों को अगर हम FM सुने तो हो सकता है मैं 98.3 सुनूं, हो सकता है अंशु जी जो है 104 सुने, हो सकता है रजनी जी जो है वो कोई और 93.5 का स्टेशन सुने, है ना। तो हम इतने सारे जो लोग हैं, हम सारे जब ऊपर जा रहे हैं तो हमें नहीं पता कौन कौन सा वाइब्रेशन ट्यून करेगा उधर, राइट, तो उसमें कौन क्या देखेगा, जैसे उन्होंने ट्यूनिंग किया, जैसे उन्होंने प्रैक्टिस किया, जैसे जाने से पहले वो सोच रहे थे वैसे ही जाएंगे, पूरा दिन अगर टेंशन में थे, अगर मेरे इस कोर्स के लिए बैठे हैं तो टेंशन ही ऊपर लेके जाएंगे, तो उनको कुछ और दिखेगा। So at that time be patience, हमें जो दिख रहा है भावुक नहीं होना है, क्योंकि सबको सब कुछ different experiences होएगा। Just be in that state, enjoy the class, enjoy it, thoroughly enjoy it, right? You may feel impatient, why? Because हम हमारा जो वाइब्रेशन है वो वहां के लिए नहीं बना है अभी। सो जब हम जैसे इधर से अगर मैं अभी US जाऊं तो उधर ठंड है, ठंड होगा उधर तो बहुत, तो मेरे को तो पूरा जैकेट सब पहन के उधर उस हिसाब से रेडी होके जाना पड़ेगा ना। तो इन बिटवीन अगर मैं अपना सॉक्स भूल गई, अपना कैप भूल गई, अपना जैकेट भूल गई, तो ऑब्वियसली मेरे को तो वो प्रिकली हवा तो लगेगी ना, वो तो मुझे सहन करना पड़ेगा। तो इट्स लाइक दैट, थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, क्योंकि वहां का मॉलिक्यूल इज टोटली डिफरेंट। वो मॉलिक्यूल जब हमारे ऊपर आएगा तो वो थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, जस्ट महसूस कीजिए उस एक्सपीरियंस को। हम ओवरवेल्म हो जाते हैं जब हम अपनों को देखते हैं, जैसे मैं हो गई थी ड्यूरिंग द, मैं तो जब मैंने बुक मेरा हाथ में पकड़ा तभी मैं ओवरवेल्म हो गई कि भाई मैं ऐसे कैसे हो सकता है कि मैंने अपना बुक पकड़ा, इट्स अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। सो यस, वी ऑल फील एंशियस, वी ऑल फील दैट ओवरवेल्म वाला, बट जस्ट एंजॉय इट। अगर एंशियस भी हो, ओवरवेल्म भी हो, तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप जज मत करना, राइट, बट रिमेम्बर इट्स अ प्रोसेस। एंड अगर किसी को कोई नहीं दिखा तो डिसहार्टन मत होना, इट्स अ प्रोसेस। पहले दिन में ही गाड़ी में बैठते ही आप ड्राइवर नहीं बन जाओगे, टेक्स इट्स ओन स्वीट टाइम। अगर हम आज पढ़ा रहे हैं या अंशु जी या जितने भी इधर फैकल्टीज हैं या फॉर दैट मैटर हम सारे अपने फील्ड में निपुण हैं, तो हमने इतने साल दिया ना उस पढ़ाई का, तभी तो हम सारे अपना अपना काम कर पा रहे हैं। तो इट्स लाइक दैट, थोड़ा टाइम सब चीज में लगता है, वी नीड टू बी पेशेंट।
efforts, practice, resistance will gradually fall away. And you will open to the new world of information. इतने information है कि आपका जो connectivity है, it's like, कैसे बताऊं, it's like अगर मेरे इस ट्यूबलाइट में, I don't know how many watt में ऐसी बोल रही हूँ, 50 watt का अगर light है, तो we will connect directly to 10,000 watt. तो थोड़ा shock तो लगेगा ना हमें, जो shock लगा add आता है, थोड़ा तो हमारा भी है, ऐसे से होगा ना, तो इट्स अ प्रोसेस.